तो मेरे मंडली के सभी सदस्य इमेजिन कीजिए कि अगर दुनिया में जाति ना होती तो क्या होता। आज की व्यू पॉइंट से अगर हम इसे देखें, आज जो जातिवाद के चलते ये झगड़े होते हैं शायद वो ना होते, और आज जो प्रेमी जोड़े होते हैं जिसकी अलग अलग जाति होने के चलते शादी के नाम से ही गदर मच जाती है शायद वो भी ना होता। पर रियलिटी में दुनिया में जो लोग हैं वो अपने अपने समुदाय में बटे होते हैं और उन्हें हम जाति के नाम से जानते हैं। तो हमारे भारत के सबसे पुराने जाति में से एक है गौंड जाति। गौंड जाति का धर्म कौन सा और गौंड जाति के लोग किस भगवान को मानते हैं, गौंड जाति के लोग कैसे सर्वाइवल करते हैं और गौंड जाति के लोगों से ये दुनिया क्या सीख सकती है, तो ये है सवाल जिसका जानते हैं हम जवाब। गौंड जाति के लोग किस धर्म को मानते हैं, तो गौंड जाति के लोगों को अभी तक अनुसूचित जनजाति की सूची में रखा गया और गौंड जाति के लोग हिंदू धर्म की परंपरा को मानते हैं और होली दिवाली दशहरा ये सभी त्यौहार मनाते हैं। गौंड जाति के लोग किस भगवान को मानते हैं, तो गौंड जाति के लोग हिंदू देवी देवताओं के साथ बराह देव की पूजा करते हैं जिन्हें वो लिंगो देव भी कहते हैं, और इसके साथ साथ वो गांव के बाहर पेड़ के नीचे अपने गांव के ठाकुर देव की पूजा करते हैं, और इसके पीछे उनका मानना है कि ठाकुर देव उनकी गाँव की रक्षा करते हैं। तो अब गौंड जाति के लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो गौंड जाति के लोग मुख्यतः प्रकृति की गोद में रहते हैं, वे जंगल और नदियों के पास रहते हैं ताकि नदियों से पीने के लिए पानी और जंगलों से लकड़ी मिल जाती है। गौंड जाति खेती प्रधान होती है जिससे वे साल भर में धान गेहूं बाजरा और भी काफी अन्य फसल उगाते हैं, और इनके घर मिट्टी के ही होते हैं पर उस मिट्टी घर के सामने महलों की सुंदरता भी कम है। तो गौंड जाति के लोग आपस में परिवार की तरह रहते हैं और उनके कल्चरल फेस्टिवल में पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं एक रंग की साड़ी पहनती हैं और खूब जोरों शोरों से अपना त्यौहार मनाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि गौंड जाति से दुनिया क्या सीख सकती है, तो गौंड जाति हमें बताती है कि सिर्फ शहरों की भीड़ भाड़ में ही जिंदगी नहीं है, गांव और प्रकृति के गोद में भी इंसान बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। लेकिन इसे एक और नजरिए से देखा जा सकता है कि गौंड जाति पीढ़ी दर पीढ़ी से जंगलों में सर्वाइव करते आ रही है, और अब ऐसा भी थोड़ी है कि कोई मिडिल क्लास घर का परिवार बोरिया बिस्तर लेके जंगल में रहने चले जाए और उनकी तरह रहे, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि आज सबके अपने कामकाज है और आज सब सुख सुविधाओं से चारों तरफ से घिर चुके हैं। आज लगता है सुविधाएं इंसान के लिए नहीं बल्कि सुविधाओं के सहारे इंसान जिंदा है। तो ये जरूरी नहीं कि हम जंगलों में जाए तभी हम इनके जैसे हो सकते, हम अपने अंदर इंसानियत और प्रकृति से लगाव रख कर भी इंसान बन सकते हैं, ये हमें गौंड जाति सिखाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करें।